भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोशीमठ में फिर से भूधसाव होने लगा है। सोमवार को नगर के सुनील वार्ड में एक विशाल गड्ढा बन गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार रवि शाह सहित अभियंताओं की टीम मौके पर पहुंची। अचानक जमीन में गड्ढा बन जाने से लोग सहमे हुए हैं। राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत विभाग द्वारा ओहो रेडियो उत्तराखंड के साथ मुहिम चलाकर जनपदवार विजेता उपभोक्ताओं को इनाम वितरित किया जा रहा है। सोमवार को चंपावत जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में राज्य कर विभाग एवं ओहो रेडियो की टीम द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया और लोगों को जीएसटी संबंधी जानकारी दी गई। नगर का प्रसिद्ध रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर गढ़कोटी हॉस्पिटल अब विभिन्न कार्ड धारकों को निशुल्क उपचार की सुविधाएं देगा। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड धारकों को हड्डी रोग से संबंधित ऑपरेशन की सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। अस्पताल पिछले 22 वर्षों से नगर में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दुर्घटना और चोट लगने पर मरीजों को बगैर सरकारी अस्पतालों से रेफर कराए सीधे भर्ती किया जा सकेगा। डॉक्टर गढ़कोटी ने बताया कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड धारकों को भी यही सुविधाएं मिलेंगी। पिथौरागढ़ नगर में मजदूरी की दरें तय करने को लेकर बुलाई गई बैठक में विभिन्न संगठनों से विचार विमर्श के बाद मजदूरी की दरें तय कर दी गई हैं। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अकुशल मजदूरों के लिए 500 रुपये तथा कुशल मजदूरों के लिए 700 रुपये मजदूरी तय की गई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषिन्द्र महन ने पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के नाम पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिथौरागढ़ से पंतनगर देहरादून के साथ ही जिले के लोगों ने दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। नेपाल के बाजुरा जिले के ग्रामीण नगर पालिका 5 के दोगड़ी निवासी 40 वर्षीय अर्जुन रावत और 34 वर्षीय टेक बहादुर रावत भारत से लापता हो गए हैं। दोनों भाई काम की तलाश में भारत आए थे। डीडीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं लगाए जाने पर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इस मांग को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे डीडीहाट वासियों ने सीएमओ के सामने समस्या रखते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं होने से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को जांच के लिए 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में मॉनसून काल में विशेष सतर्कता रखने और आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान डीएम ने आपदा की घटना के बाद सड़कों को प्राथमिकता से खोलने के निर्देश दिए। सिटी पब्लिक स्कूल महादेवधारा में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातः गुरु पूजन के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसमें विद्यालय स्टाफ, बच्चे, अभिभावक मौजूद रहे। सुंदरकांड के बाद सभी लोगों ने आरती कर भगवान का आशीर्वाद लिया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मरसिलौली में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आरती वंदन की गई, साथ ही संरक्षण प्रकल्प के अंतर्गत रोपण को पौधे वितरित किए गए। दिल्ली से आए संत समाज ने बताया कि पूर्ण सद्गुरु ही मानव का कल्याण कर सकते हैं। संयोजिका हरअर्चना भारती ने बताया कि संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की प्रेरणा से समाज हित में अनेक सामाजिक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। दहेज उत्पीड़न के मामले में थाना गंगोलीहाट में दर्ज मुकदमे में नामजद निरंजन कुमार आगरी निवासी मां पूर्णागिरी बिहार डहरिया मानपुर को न्यायालय द्वारा फरार व उद्घोषित अभियुक्त घोषित किया गया है। अभियुक्त समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 14वें दिन भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में जारी है। पूर्व अध्यक्ष राजेश धामी ने बताया कि जब तक उनकी प्रमुख मांग सुरक्षित भविष्य व नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों का समायोजन नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र बोरा ने जिलाधिकारी को 10 सूत्री ज्ञापन भेज समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। उन्होंने डाइट की भूमि का सीमांकन करने, स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड व रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती, निर्माणाधीन टैक्सी स्टैंड कार्य कराने, सड़कों का मुआवजा देने, आदि चौड़ा हुनेरा सड़क को खोलने, दूनाकोट कानीधुरा सड़क की स्वीकृति दिलाई जाने की मांग उठाई है। नेपाल के दार्चुला जिले में स्कूल में खेल रहे बच्चे की खाई में गिर जाने से मौत हो गई। मिली
मिली जानकारी के अनुसार एपी हिमाल ग्रामीण नगर पालिका 5 के चिपुला केदार हाई स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र समीर मेहता स्कूल परिसर के पास खेल रहा था। इसी दौरान खाई में जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आम जनता की समस्याओं को एक स्थान पर हल किए जाने के उद्देश्य से चंपावत जनपद में बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने बताया कि इसी क्रम में 7 जुलाई को पशु प्रजनन केंद्र नरियाल गांव में शिविर का आयोजन होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में विस्तार से पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।